आपका स्वागत है। लीवर है फैटी तो ये खतरे की है घंटी, और ये घंटी कितनी जोर से बज रही है आप भले ना सुन रहे हो। कहा जा रहा है कि देश के 35% से लेकर 55% तक लोग फैटी लीवर के शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर फैटी लीवर को अल्कोहल कंजम्पशन से जोड़ा जाता है कि जो अल्कोहलिक्स हैं उनके फैटी लीवर होते हैं, लेकिन अब ये जिस तरीके से बीमारी फैल रही है और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि स्थिति कितनी विकराल है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर एक बहुत बड़ी समस्या अब बन गया है। समस्या आती कहाँ है? इसकी सबसे बड़ी जड़ है हमारी लाइफस्टाइल, जिसके लिए हम इस रैट रेस में लगे हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैटी लीवर की समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों की है जिनकी लाइफस्टाइल हम कॉपी करना चाहते हैं, यानी हाई इनकम वाले वैसे लोग जिन्हें देखकर हम बड़े ललचाते हैं और सोचते हैं कि काश हमारी भी ज़िंदगी ऐसी होती। तो फैटी लीवर पर अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए एक्सपर्ट्स की बात, हो सकता है इसमें आपका कोई फ़ायदा हो या आपके किसी अपने का फ़ायदा हो। पहले मिलिए हमारे पैनल से। हमारे साथ हैं सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हेप्टोलॉजी एंड लिवर डॉक्टर आकाश शुक्ला, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट और स्टार पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी, और हिम्स हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहरहाल हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। डॉक्टर आकाश, क्या होता है फैटी लीवर और ये जो नॉन अल्कोहलिक्स को लेकर हम बात कर रहे हैं तो इसका कितना योगदान है? सो ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है या जो फैटी लीवर है, ये जैसा आपने बताया कि बहुत ही कॉमन हो गया है। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन यानी देश के 1/3 जनता में फैटी लीवर पाया जाता है, और इसका अर्थ यह है कि जब लिवर में नॉर्मल से ज़्यादा लिवर में फैट जमा हो तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। नॉर्मली लिवर में 5% तक फैट जमा होता है, जब ये 5% से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको हम फैटी लिवर बोलने लगते हैं। अगर ये बहुत दिन तक लिवर में जमा रहे तो ये लिवर को धीरे धीरे खराब करता है और 10-15-20-25 साल में ये लिवर को सिरोसिस की स्टेज तक ले जा सकता है। जिनको फैटी लिवर है उनको न सिर्फ लिवर के लिए खतरा है, बल्कि जिनको फैटी लिवर है उनको हार्ट की बीमारियां और कैंसर्स होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसलिए हमको सिर्फ लिवर के लिए चिंता नहीं करनी है इन लोगों में, बल्कि हमें बाकी चीज़ों के लिए भी प्रिकॉशन लेना है ताकि हार्ट से की बीमारियों से भी बचे रहें और हम कैंसर से भी बचे रहें। आज की डेट में भारत में लिवर कैंसर का सबसे कॉमन कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम कॉमन भाषा में फैटी लिवर बोलते हैं। जो लोग ड्रिंक्स नहीं करते पर जिनकी लाइफस्टाइल के कारण लिवर में फैट जमा हो जाता है, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आज नंबर 1 कॉज है लिवर कैंसर का भारत में। सो इस चीज के लिए हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जागृत रहें। जागरूकता जरूरी है और उसी के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर भाटी, ये बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा कि फैटी लीवर हमारा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फैटी लीवर की जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें बहुत टाइम तक कोई ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते, मतलब ये सिम्टम फ्री रहता है। लीवर क्योंकि लंबे समय तक काम करता रहता है, फैटी लीवर में अगर हम देखिए बात करें क्योंकि ये बड़ी स्लोली स्लोली बढ़ता है, जैसे कि 10-15 साल के बाद जो है डिजीज प्रोग्रेशन होना शुरू होता है। और दूसरा इसमें एक चीज प्रॉब्लम क्या है कि ये अडल्ट्स में भी देखी जा ही रही है, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ बच्चों में भी, कि अगर अभी के 35% के करीब भारतीयों के अंदर फैटी लीवर डिजीज है तो बच्चों के अंदर भी इसी अनुपात के अंदर फैटी लीवर डिजीज देखी जा रही है। और दूसरा, खाली अर्बन एरियाज के अंदर ही नहीं है, ये आपके सेमी अर्बन एरिया विलेजेस में वहां के पेशेंट्स के अंदर भी, वहां के लोगों के अंदर भी फैटी लीवर की समस्या देखी जाती है। दूसरा, कई बार लोगों को गलत फहमी रहती है कि भाई जिनका खाली वजन ज्यादा है या ओबेसिटी है उनमें ही फैटी लीवर है, ऐसा नहीं है। भारतीयों के अंदर हम देखें तो उनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी जैसा देखी जाती है, मतलब बेली फैट ज्यादा होता है,
सेंट्रल ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, तो उन लोगों में भी फैटी लिवर होने की संभावनाएं बनी रहती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि फैटी लिवर के जैसे कोई लक्षण नहीं होते, तो पता कब चलता है, जब कोई किसी और समस्या के लिए जब जांच कराने के लिए जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं या अपना कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो उसमें पता लगता है कि फैटी लिवर है। और फैटी लिवर जब बताया भी जाता है तो उसको कोई बहुत अधिक सीरियसली नहीं लिया जाता। भारत के अंदर जैसे हम देखें कि हमारी डायबिटीज की कैपिटल है, तो जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, तो 70% ऐसे लोगों में भी फैटी लिवर होने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है। और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर लगभग 20% के करीब ऐसे हैं जिनमें फाइब्रोसिस, मतलब फैटी लिवर से आगे वाली स्टेज होने की संभावना बनी रहती है। जैसे डॉक्टर आकाश ने भी बताया कि ये लिंक्ड है, एक तरह से बीमारियों का सम है। फैटी लिवर से तो प्रॉब्लम है ही, बट फैटी लिवर अपने साथ डायबिटीज को लेकर आता है, डायबिटीज फैटी लिवर को बढ़ाता है, फैटी लिवर डायबिटीज को बढ़ाता है, ये लिंक्ड है कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की डिजीज से। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ग्रुप है, डिजीज का समूह है, क्योंकि सिम्टम नहीं आते, ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम इसको लंबे समय तक डायग्नोस नहीं कर पाते। जी, तो सिम्टम नहीं आते हैं ये समस्या है, और फैटी लीवर बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर आकाश, हम जब इस पे लोग को अवेयर करना चाहते हैं तो कैसे करें, मतलब क्या कहें लोगों को, क्या करें, कैसे बचें, आखिर ये आ कहाँ से रहा है? दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं कि हम किस में सस्पेक्ट करें कि फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स तो है नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते पेट में दर्द है तो लिवर फैटी लिवर है, या ऐसा कुछ जॉन्डिस हो गया तो फैटी लिवर है, सिम्टम्स ही नहीं है, तो जल्दी कैसे पता चलेगा? तो कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इस पर्सन को फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा है। पहली चीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, मतलब आपका HbA1c 5.7 से ऊपर अगर है, तो बहुत ऑलमोस्ट 70% चांस है कि आपका लिवर फैटी होगा। दूसरी चीज, अगर किसी की गर्दन पे या बगल में ब्लैकिश हो गया है, जो काला काला हो गया, जिसको हम मेडिकली एकंथोसिस बोलते हैं, तो अगर ये ब्लैकिशनेस है, आप नाई के पास जाते हैं और वो बोलते हैं यहाँ सारा काला काला है, तो ये आपका इंडिकेशन है कि भाई फैटी लिवर होने का चांस ऑलमोस्ट 90% है। तीसरी चीज, अगर प्लेटलेट काउंट रूटीन चेकअप में 2 लाख के नीचे है, तो भी वो हिंट है कि भाई आपको फैटी लिवर हो सकता है और लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड आप अगर करेंगे तो अल्ट्रासाउंड बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है कि पर्सन को फैटी लिवर है या नहीं है। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं जिससे अपने को पता चल जाएगा। इसके अलावा किसी का वजन कितनी भी हाइट हो, पर अगर वजन 100 kg के ऊपर है, या जो आपका वेट होना चाहिए उससे 10% से ज़्यादा ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 70% 80% चांस है कि आपका लिवर जो है वो फैटी होगा। तो ये तरीके हैं जिससे अपने को पता चल सकेगा कि भाई लिवर फैटी होने का चांस है, और अल्ट्रासाउंड करके आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। जी, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, डाइट और एक्सरसाइज, यही दो चीज़ें आपको फैटी लिवर से बचा सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए। खान पान में 3 चीज़ों का अपने को परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का मीठा सेवन, शक्कर, गुड़, शहद, मीठे फल, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सबसे दूर रहना। दूसरी चीज़ का खाने पीने में दूसरा ग्रुप जो है वो है तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, ऑयल, चीज़, बटर, मेयोनेज, और थर्ड है हर तरह का फास्ट फूड, जो रेडी टू ईट फूड होता है या जो बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है, जो आपको बाजार में मिलता है, जैसे बर्गर हो गए, वड़ा पाव हो गया, या पिज़्ज़ा हो गया, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये 3 चीज़ों से अपने को परहेज रखना है। एक्सरसाइज हमको रेगुलरली करनी है, 45 मिनट्स अगर आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये खाने पीने में आप जो है वो अगर परहेज कर रहे हैं, तो आपका फैटी लिवर गायब हो जाएगा, यूं गायब हो जाएगा चुटके बजाते। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज आपकी दोनों होना चाहिए, कार्डियो भी होना चाहिए और मसल ट्रेनिंग भी होना चाहिए। अगर आपने अपने मसल्स बढ़ा लिए तो जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं किसी दिन, तो भी वो बढ़े हुए मसल्स, लार्ज मसल्स, वो लिवर के फैट को बर्न करते रहेंगे। तो बॉडी में हर एक के फैट होता है, पर अगर वो फैट स्किन के नीचे हो तो कम रिस्की होता है।
अगर वही फैट ऑर्गन के अंदर जमा हो तो वो ऑर्गन्स को नुकसान करता है। तो डाइट और एक्सरसाइज, ये दो मेन चीजें हैं जिससे अपन लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। जी, तो ये तमाम बातें आपने सुनी डॉक्टर साहब की, तो आपके समझ में आएगा कि फैटी लिवर की कहानी क्या है, किस्सा क्या है, कैसे पनपता है। हालांकि इस पर थोड़ा और हम सफाई ले लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर आकाश, एक मेरा सवाल आपसे बेसिक सवाल है कि लोग समझेंगे तभी, जागेंगे तभी जब उन्हें पता लगेगा कि ये जो लीवर नाम का अंग है वो है कितने काम का। लोग दरअसल जानते ही नहीं है कि लीवर का रोल क्या है और लीवर क्या क्या कमाल करता है हमारे शरीर में। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में अगर आप समझाएंगे तो बात उनके ज़्यादा समझ में आएगी। सो लिवर का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्स। सो जो जो भी बॉडी में हम जो भी हम चीज़ खाते हैं या जो हम इनहेल करते हैं, जो भी हमारे स्मेल के साथ, हवा के साथ, सांस के साथ अंदर जाती है चीज़, हर वो चीज़ लिवर के थ्रू पास होने वाली है। और लिवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। तो लिवर वहां से सब खराब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको बॉडी से रिमूव करेगा। सेकेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो अच्छी चीज़ें बनाना। कौन सी अच्छी चीज़ें? बहुत सारे प्रोटीन्स बनाना, ब्लड क्लॉट करने के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका निर्माण करना। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे एल्बुमिन, इसका निर्माण करना। और उसके अलावा पूरे जो पेट का सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट काम है लिवर के, टोटल ये 300 से भी ज्यादा फंक्शन करता है लिवर। तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और इसके लिए इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब ये बिगड़ता है तो पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब हो जाता है। जी, तो ये है लिवर की आपके शरीर में भूमिका, और ये भूमिका जब गड़बड़ होती है तो कई तरीके से आपको परेशानी होती है। डॉक्टर भाटी, आप समझा रहे थे कि इसका एक तरीके का साइक्लिकल इफेक्ट हमारे बॉडी में, फैटी लीवर है तो उसके चलते कुछ होगा और कुछ और है तो उसके चलते फैटी लीवर होगा, इसको थोड़ा और आप क्लियर करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले तो इसको सही, सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ पर आती है, चुनौती, कि हमें डायग्नोस ही नहीं बन पाता है ना। और ज्यादातर देखा जाता है कि काफी सारे लोग जब पहुंचते हैं जांच कराने के लिए, क्योंकि लीवर का एक तो फैट की स्टेज है और एक फाइब्रोसिस की, मतलब लीवर कठोर हो गया है और काफी हद तक वो एडवांस डिजीज की तरफ पहुंच गया है। तो ऐसे लोगों को थोड़े लक्षण आना शुरू होते हैं, तब वो फिर जांच के लिए आते हैं। अब इसमें एक तो देखिए, तरह हमने बताया है कि जिनको डायबिटीज है, तो डायबिटीज वाले लोग थोड़े हाई रिस्क में आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको जैसे हार्ट को लेके काफी ज्यादा अवेयरनेस रहती है और लोग उसको लेके अपना स्क्रीनिंग भी कराते हैं, जांच भी कराते हैं। तो ऐसे ब्लड शुगर अगर आपकी बढ़ी हुई है, आपका एच बी एवन सी बढ़ा हुआ है, आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो अपने लीवर की जांच आप जरूर कराइए। लीवर के अंदर जैसे कि एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें हम लीवर एंजाइम्स देखते हैं, थायराइड का भी लीवर से लिंक होता है। तो जब भी आप अपने टेस्ट कराते हैं ऐसे, तो ये बेसिक से टेस्ट करा लें। और एक अगर देखें इससे पहले की स्टेज भी हम देखें कि क्यों ये जो इतनी बीमारियां जीवन शैली से संबंधित, खासतौर पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें फैटी लिवर भी है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है कि आप बहुत ज्यादा स्नैकिंग कर रहे हैं। हम कई बार क्या होता है कि ऑफिस में है, डेस्क जॉब है, तो हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ ऐसा खाते हैं, मीठा खाते हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, तो ये सब बार बार इंसुलिन स्पाइक। तो इसमें एक स्टेज होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसका कारण बनता है, खासतौर पर हम आजकल यूथ में बात करें और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनमें बात करें। आजकल जो ज्यादातर देखा जा रहा है फैटी लिवर या इस तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, वो ओवर ईटिंग की वजह से हो रही है। कई बार लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कब इतना खाते हैं कि ज्यादातर लोग करते हैं, वो इसका एक काफी बड़ा कारण बनता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अल्ट्रासाउंड में आपको पता लग जाता है, बट अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर है तो कई बार डॉक्टर एक और जांच होती है जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड की तरह का ही होता है, जिसमें ये पता लग जाता है कि लीवर में फैट है तो वो कितना है।
क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड लोग जब कराने आते हैं वो कहते हैं मुझे तो बहुत टाइम से फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर में वो कितना है उसका क्वांटिटी आता है। आप जब अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो दोबारा फॉलोअप में आपके सामने एक मोटिवेशन रहेगा कि पहले इतना था मैंने इतना कम किया है। फाइब्रोस्कैन में ये भी पता लग जाता है कि लीवर की हार्डनिंग कितनी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको जरूरी है मॉनिटर करना, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक ट्राइग्लिसराइड, उसका भी आप ध्यान रखें। और आजकल जितनी नई रिसर्च आ रही है उसमें गट हेल्थ का भी कोरिलेशन किया गया है आपके फैटी लीवर के लिए, तो आपको ओवरऑल अपनी गट हेल्थ का भी डाइजेस्टिव हेल्थ का उसका ठीक से ध्यान रखना है, जिसके लिए कि जंक प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा मीठा, क्योंकि जब फैटी लीवर की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि फैट नहीं खाना, फैट से ज्यादा कल्प्रिट है मेन आपका मीठा, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे मात्रा हमारी काफी ज्यादा होती है, तो उसको हमें इनटेक को कम करना है। और लेट नाइट आपको नहीं खाना, कोशिश करें अगर आप हेल्दी हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जैसे आप गैप करिए बढ़ाइए जैसे 12 घंटे से 14 घंटे तक, तो वो भी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। बट ओवरऑल फैटी लीवर आपको डायग्नोस्ड होता है तो आपको अपनी डाइट जो भी ले रहे हैं उसको कम करना है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लेट नाइट वाला खाना है, लेट नाइट पार्टीज हम करते हैं, वहां पर आप जितना हो सके उसको आप अवॉइड करें जी। तो ये फैटी लीवर की पूरी तस्वीर आपके सामने है और इस पर आप ज़रूर विचार करें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लीवर की एज अ होल थोड़ा बात करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो घूम फिर कर बात आ जाती है लाइफस्टाइल पर। लाइफस्टाइल में हमारी क्या गड़बड़ी है, क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिसमें हम ज़्यादातर जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस कह रहे हैं उन सब से निपटे या उनके खिलाफ हमारी तैयारी हो, तो वो मोटी मोटी क्या बातें हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर की और हमारे साथ डॉक्टर आकाश हैं एचएन रिलायंस अस्पताल से। डॉक्टर आकाश, जो लीवर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती होंगी, बीमारियां होती होंगी, तो एक तो उनके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें, दूसरी बात यह है कि फैटी लीवर से उन बीमारियों का क्या रिलेशन बनता है, इसको कैसे समझना चाहिए। जैसे लीवर की कुछ बीमारियां जो बहुत कॉमन है, जैसे हेपेटाइटिस बी जो भारत में 2-3% जनता में पाया जाता है, हेपेटाइटिस सी जो 1% जनता में पाया जाता है, इसके अलावा अल्कोहल से जो लीवर में प्रॉब्लम होती है, जो ऑलमोस्ट लीवर की जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से 20-30% इसी की वजह से होती हैं। और उसके अलावा कुछ रेयर डिजीजेज होती हैं जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, बट कैरी सिंड्रोम, विल्सन्स डिजीज एंड अदर रेयर डिजॉर्डर्स। नाउ इसमें जिसको भी इनमें से कोई भी बीमारी है उसको साथ में फैटी लिवर डिजीज भी हो सकता है, और इसमें सबसे खराब कॉम्बिनेशन है अल्कोहल प्लस फैटी लिवर। तो एक पर्सन जिसको डायबिटीज की वजह से फैटी लिवर है या मेटाबॉलिक ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर है, और वो पर्सन उसके साथ साथ अल्कोहल का सेवन भी अगर करता है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो ये 1 और 1 2 नहीं होते, ये 1 और 1 11 होके लिवर को बहुत जल्दी खराब करते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी के साथ फैटी लिवर हो या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के साथ फैटी लिवर हो या हेपेटाइटिस सी के साथ फैटी लिवर हो, तो ये दोनों बीमारियों से के को मिला के जितना होता है एडिशन उससे कहीं ज़्यादा तेजी से लिवर को नुकसान करते हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी और बीमारी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को, यानी कि डायबिटीज़ को, लाइफस्टाइल को, ब्लड प्रेशर को, वेट को आप कंट्रोल करके रखें। और अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको हर दूसरे नशे से सख्ती से परहेज रखना बहुत जरूरी है, वरना ये कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं जी। और समस्या चूंकि देखिए इस लेवल पे है, डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को फैटी लिवर है, आप इसी तरह से किसी भी बीमारी की बात करें भारत में आपको
कोई बीमारी 40% लोगों को अफेक्ट कर रही है। डायबिटीज़ का कैपिटल इंडिया को कहा जाता है, और जो जिसको CVDs कहते हैं, कार्डियो वास्कुलर डिजीज़, उसके चलते डेथ के नंबर्स और वो उसकी प्रिवेलेंस, इस तरीके से आप कोई भी बीमारी उठा लें और फिर उसमें एक चीज़ ज़रूर निकलती है, ज़्यादातर बीमारियों को कुछ को छोड़कर, अपवाद छोड़कर, लाइफस्टाइल की बात आती है। डॉक्टर भाटी, ये इस लेवल पर जब बीमारियां हैं और उस पर इंटरवेंशन, हम ठीक है इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को जागरूक करते हैं, ये एक बड़ा ज़रूरी काम है, लेकिन क्या इसमें बड़े इंटरवेंशन की ज़रूरत है? क्या जो लाइफस्टाइल लेकर हम चल रहे हैं उसमें बड़े चेंजेस की ज़रूरत है? वो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल, जिनको कि सबको ध्यान रखना होगा, 100% ऑफ द पॉपुलेशन को, हर उम्र के लोगों को, वरना हम ऐसा लगता है जैसे अपनी आधी कमाई हम देने वाले हैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल में, और जो पूरा मेडिकल बिजनेस है, सिस्टम तो नहीं कहना चाहिए, बिजनेस कहना चाहिए, वो इसके लिए तैयार भी है कि हम पैसे लेकर आएँ और वो हमारा इलाज करें, तो क्या हमें चेंजेस करनी चाहिए? डॉक्टर भाटी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत में जैसा हम देख, जी भारत में देखिए ज्यादातर हम देखें तो हमारा 95% के करीब जो ट्रीटमेंट साइकिल होती है पूरा, उसमें ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट के अंदर या जब बीमारी की कॉम्प्लिकेशन होती है उसको ठीक करने चला जाता है, सिर्फ 3-5% ही हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देते हैं। और ये जितनी भी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, इनका परसेंटेज जैसे बढ़ता जा रहा है और कोई एज ग्रुप नहीं रहा, खासतौर पे यूथ को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इसमें प्रिवेंशन सबका एक ही है, सभी का, चाहे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से संबंधित देख लीजिए, या जैसा हम फैटी लीवर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है, क्योंकि पिछले 20 सालों के अंदर ही जो डिजीज का ग्राफ है जीवन शैली से संबंधित वो बढ़ रहा है, और उसका जो प्रमुख कारण माना जा रहा है वो हमने जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया, हमारी जो डाइट में शिफ्ट हुआ है, हमारी न्यूट्रिशन में, वो एक उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपनी डाइट के अंदर बदलाव करना, और हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना हुआ है, लगभग 300 से ज्यादा बोन्स है, 600 से ज्यादा मसल्स है, तो मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर वो लोग जिनकी डेस्क की जॉब है, सिटिंग जॉब है, क्योंकि सिटिंग को भी एक सेकेंड है स्मोकिंग की तरह ही माना जाता है, तो मूवमेंट आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो फैटी लीवर के साथ साथ जो और भी अन्य जीवन शैली से संबंधित बीमारियां बढ़ रही है उनको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस जो है, मुझे लगता है ऐसा कि वो थोड़ा वापस आपको लेके जा रहे हैं पुराने आपके लाइफस्टाइल में, खाना पीना सादा, बेसिक, नेचुरल, और रहन सहन ऐसा जिसमें आपके शरीर का हो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, उपयोग, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, समझा जा सकता है और इसको अप्लाई भी किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर आकाश, इस बार जो ग्लोबल फैटी लिवर डे 2024 का थीम है, वो थीम ये है, एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे, लेट्स टेक एक्शन टुडे फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। इसको थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को, खास करके स्क्रीन टुडे वाला जो टर्म इसमें यूज किया गया है। सो ये स्क्रीन टुडे का मतलब है कि हम आज ही पता करें कि क्या हमें फैटी लिवर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पता कर सके कि फैटी लिवर है या नहीं है। इसमें आमतौर पे सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, USG एब्डोमेन जो है ये फैटी लिवर को पकड़ता है, और फिर जैसे डॉक्टर भाटी ने बहुत अच्छे से बताया कि लिवर स्टिफनेस का असेसमेंट जो है ये किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है, जिसके लिए अपन फाइब्रोस्कैन नाम का मशीन यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लिवर में कितना स्टिफनेस आया है, कितना कड़क हुआ है, कितना डैमेज हुआ है और कितना फैट जमा है। और इसी तरह के कुछ और टेस्ट होते हैं जो हमको ये चीज़ के बारे में हिंट दे सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हमें आज ही जो है वो स्क्रीन करना है, और जिसको भी ये रिस्क फैक्टर्स है जो हमने बात की कि प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ है या वज़न ज़्यादा है या किसी भी तरह की और लिवर की बीमारी है, फैमिली में किसी को सिरोसिस हुआ है, तो इस तरह का कोई भी अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है, या आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपको चेक कराना है।
और इसमें जैसे ही आपको एक्ट करना है इसमें, मतलब आपका रोजमर्रा का जो हमने बात किया परहेज का और एक्सरसाइज का, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक्सरसाइज में मैं बहुत कॉमन जो लोग मुझे बताते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता, 12 घंटे हम काम करते हैं, उसका जब घर पहुंचते हैं तो थक जाते हैं, ट्रैवलिंग में इतना थकावट आ जाती है तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपके रोजमर्रा की चीज़ों में आप कैसे अपने आप को एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, तो सिंपल सिंपल चीज़ों में आपको एनर्जी अपनी स्पेंड करनी है। जैसे आप जहाँ बैठते हैं ऑफिस में, तो कोई भी चीज़ अपने जो कन्वीनियंस की चीज़ें वो एकदम आजू बाजू में ना रखें। आप ये करिए कि आपको अगर पेन लेना है तो उठ के कहीं और जाएं, वहां से लेके आएं, अपने बिल्कुल बाजू में ना रखें। पानी पीना है तो उसके लिए आपको जाना चाहिए, लेके आना चाहिए। और खाना खाने बैठ रहे हैं तो एक बार में पहले से सारी चीज़ें टेबल पे ना ला के रखें, बल्कि जब जो चीज़ चाहिए आप जाएं, उठें, किचन में जाएं, पिकअप करें, लेके आएं और बैठ जाएं। इसी तरह से जब टीवी देख रहे हैं तो आप जो है रिमोट का यूज़ ना करें, जब भी जी आपको चैनल चेंज करना है आप उठ के जाएं और फिर टीवी का चैनल चेंज करें। हर छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करते रहेंगे तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर, आपका जो जी जी एक्सरसाइज है, ये आपका बढ़ जाएगा। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं देना चाहूंगा लोगों को। जी और ऑफ कोर्स इसके अलावा शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले बताया 45 मिनट्स बहुत जरूरी है, जिसमें कार्डियो और मसल बिल्डिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्ट नाउ इज एक्टिंग ऑन दीज थिंग्स, जिससे कि हम अपना को प्रिवेंट कर सकते हैं, जी या जी जिन अर्ली स्टेज पे पकड़ में आ गया है, फैटी लिवर जब डैमेज नहीं हुआ है लिवर। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बातें कही उसका निचोड़ आप समझ लीजिए, उसका निचोड़ ये है कि आपको जो सबसे बड़ा वरदान मिला है, प्रकृति से माने, ईश्वर से माने या जैसे ही माने, वो आपका शरीर है। और शारीरिक श्रम की इज्जत करना सीखे, दूसरों के शारीरिक श्रम का आप इज्जत करेंगे तो आप खुद भी शारीरिक श्रम करेंगे। हमारी देश में, हमारी सभ्यता में अभी फिलहाल इस दौर में इस बात की बहुत कमी है ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे मजदूर, जो लोग भी शरीर को तपा रहे हैं वही सबसे महान लोग हैं। अगर आप ऐसा मानेंगे तो आप भी शारीरिक मेहनत पर ध्यान ज़रूर देंगे। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।